हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है चाय के लिए अदरक कूटने से। सुबह सुबह का टाइम है, जो मेरा सुबह का रूटीन होता है, मुंह हाथ धोना, पानी पीना, फ्रेश होना, वो सब करके मैं किचन में आ गई हूँ और चाय की चुस्की बनाने के लिए मैं तैयार हो गई हूँ, क्योंकि इसके बिना तो किसी का भी सवेरा नहीं होता है। बच्चे अन्नु सब सो रहे हैं, जो साइड में खड़ी थी ये मेरी मम्मी है, एक दिन पहले ही मेरे से मिलने आई थी तो मैंने अपने पास रोक लिया है इन्हें। अब बच्चों के टिफ़िन की ही तैयारी करने लग पड़ी हूँ। तो यहाँ पे मैंने रात को ही लौकी को कद्दूकस करके निचोड़ के इसका पानी एक एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख दिया था, जिससे कि आप देख सकते हैं लौकी काली नहीं पड़ी है। और आप कहेंगे बच्चों के लंच में वो भी लौकी के कोफ्ते बना रही हो? जी हाँ, मैं लौकी के कोफ्ते बना रही हूँ, ताकि बच्चे धीरे धीरे मैडम के डर से जो खाना शुरू करेंगे ना, तो बाद में भी उनकी आदत हो जाएगी। बल्कि मैं आपसे भी ये कहती हूँ, आपके बच्चे लौकी टिंडा नहीं खाते ना, आप सुबह सुबह उनको ना लंच बॉक्स में जरूर दीजिए, और उनकी मैडम को बोलिए कि इसका लंच किसी भी तरीके से ख़त्म करवा के भेजना। वैसे भी बनी के स्कूल से जो है रिक्वायरमेंट आती है कि आपको ग्रीन वेजिटेबल भेजनी, चाहे फिर उसमें लौकी टिंडा कुछ भी, तो वो ऐसे तो वो खाता नहीं, तो मैंने सोचा लौकी के कोफ्ते ही बना देती हूँ। और लौकी को रात को कद्दूकस कर लिया था, इससे ना मेरे को बहुत आसानी हो गई। अच्छा, रात को ऐसा कोई काम हो ना करके सो, तो सुबह आपको बहुत ही आसानी होती है अगर रात को ये काम कर ले तो। हम अच्छा, ये रात को दूध उबाला था मैंने, तो अब आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मलाई आके तैयार हुई है, और जिस कटोरे में डाल रही हूँ, जब ये कटोरा 10-15 दिन में मलाई से भर जाता है तो मैं इसका देसी घी निकाल लेती हूँ, वो भी हमारा 10-15 दिन चलता है। तो हो गया ना घर की ही चीजों से घर का सारा काम। तो दोस्तों, यहाँ पे कढ़ाई में तेल काफी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैंने जो है कोफ्ते फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं, और साइड में ही मेरी चाय बननी है। हन्ने भी उठ के नहा धो के तैयार हो गया है। सुबह सुबह बच्चों पे बड़ा तरस आता है, बेचारे उठते हैं, तैयार होते हैं, फिर जाते हैं, पर क्या करें, हमने भी ये दौर देखा है, तो हम दिल पे पत्थर रख के बच्चों को भेज ही देते हैं। और यहाँ पे 3 कप जब मैंने चाय निकाली है, इसमें से 1 कप मेरी मम्मी की है, 1 कप है हनी की, हनी इसके साथ में बिस्किट लेता है, और इसके पापा की है, क्योंकि उसके पापा जो हैं दोनों बच्चों को छोड़ने जाते हैं। अगर वो चाय नहीं पिएंगे ना, तो दोनों बच्चों को कोई नहीं छोड़ने जाएगा। मैं तो जा नहीं सकती, उसका दूर बहुत स्कूल है, क्योंकि बहुत दूर स्कूल है, थोड़ा उल्टा बोल दिया मैंने। अब ये एक बैच सीख के तैयार हो चुका है, तो यहाँ पर मैं ऐसे ही सारे बैचेस को फ्राई कर लूँगी। पीस पीस आके तैयार हो गए हैं टोटली। और अब मैंने जिसमें कोफ्ते फ्राई करे थे, उसी में से ही थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, और उसमें डाल दिया है जो मैंने प्याज को मिक्सी ग्राइंडर में पीसा था वही। अच्छा, पता नहीं यार, मिक्सी में तुम कितना भी पीस लो, फिर भी एक आधी गांठ ना रह ही जाती है, पता नहीं कैसे, या तो अदरक की रह जाएगी, या लहसुन की, या फिर प्याज की, ऐसा होता ही है। शायद मुझे दूसरी मिक्सी ले लेनी चाहिए अब तो। बस यहाँ पर 1/2 टीस्पून के लगभग मैंने जीरे को भी ऐड कर दिया है, और इन दोनों को पकने देंगे। बाद में मैंने ऐड करा है यहाँ पर 1/2 चम्मच के लगभग लहसुन अदरक का पेस्ट, और जब ये काफ़ी अच्छे से भुन जाएगा, इसकी मिठास ख़त्म हो जाएगी प्याज की, तब मैंने 1 से 2 छोटे छोटे टमाटर थे मेरे पास में, उसका पेस्ट बना के वो भी डाल दिया है मैंने। थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, घर के जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाल दूंगी। वीडियो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड पे इसलिए कर देती हूँ ताकि आप लोग बोर फील ना करें। वैसे इतने फास्ट फॉरवर्ड में 2 पे ही होती है मेरी वीडियो, लेकिन आपको सारी रेसिपी तो समझ आ ही जाती होगी। इसमें मैंने सारे बेसिक मसाले डाल दिए। अच्छा, ये ही बेसिक मसाले मैंने पकौड़ियों में भी डाले थे, तो थोड़ा आप हिसाब किताब रखते हुए मसालों को ऐड कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे मसाले देख सकते हैं आप कितने अच्छे से भून के तैयार हो गए हैं। तेल एक तरफ हो गया है, मसाले एक तरफ हो गए हैं, तो आप अपने पकौड़ों के हिसाब से जो है पानी डाल दीजिए, और पानी में जब एक उबाल आ जाए ना अच्छे से, तब आप इसमें अपने कोफ्ते डाल सकते हैं। पहले तो क्या होता था, पहले क्या मतलब काफ़ी लोग क्या करते हैं, पानी को अलग से पकाने लगते हैं, जब पानी पक जाता है तब कोफ्तों को डालते हैं, फिर ना वो कोफ्ते सारा पानी पी जाते हैं और सब्ज़ी जो है बहुत सूखी सूखी हो जाती है। तो इसी टाइम डाल देंगे, तो जितना पानी पीना होगा वो इसी टाइम कोफ्ते पी लेंगे। अच्छा, सब्ज़ी 10-15 मिनट के बाद में तैयार हो चुकी थी, अभी आपको दिखाऊंगी जब मैं लंच बॉक्स बच्चों के तैयार करूंगी। तो ये हनी की लंच की रोटियाँ हैं जो पैक हो रही हैं, ये बनने की है, बनने एक ही चपाती, कभी 2 चपाती ऐसे ले कर चला जाता है, उसकी इच्छा पर डिपेंड होता है। बनी अभी सो रहा है, हन्ने पूरी तरीके से तैयार हो गया, और सुबह सुबह इतनी जल्दी होती है ना कि सब्ज़ी इतनी गर्म गर्म होना, तो एक बड़ी सी प्लेट में डाल के पंखे के नीचे रख दो, तुरंत ठंडी हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, पकोड़ों ने सारा पानी जो है पी लिया है। अब मैं थोड़ा सा कढ़ाई में से
जो ग्रेवी होती है उसको निकाल के दोनों डब्बों में डाल दूँगी। सभी देखिए अपने बच्चों को कुछ ना कुछ अच्छा ही देती हैं, माँओं की तो जितनी ख्वाहिश होती है ना वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा खिलाने की होती है, लेकिन मैं जो हूँ वो लंच रेसिपी आजकल आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, और आई होप सो आपको बेहद पसंद आ भी रही होंगी। अगर पसंद आ रही तो एक लाइक कर देना, चैनल पर वाली बार सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी लंच बॉक्स रेसिपी आपको कैसी लग रही है। हनी ने अपने नानी को यहाँ पे बाय किया है और आप लोगों को भी बाय कर रहा है, साथ में उसके पापा मेरे से कुछ बनने के लिए बोल रहे थे कि अब उसको उठा दो, उसको तैयार कर दो, इतने मैं हनी को छोड़ कर आऊँगा इतने वो भी तैयार हो जाएगा, तो बस वो लोग चले गए हैं। यहाँ पे मैंने मम्मी को भी सुबह सुबह फुलका और सब्जी दे दी थी, तो मम्मी अपना जो है नाश्ता इंजॉय कर रही है और बन्नी को देख सकते हैं कितने मस्ती से सो रहा है। थोड़ा उठाना अच्छा नहीं लगा तो आप लोगों को थोड़ा बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। जैसे ही व्यू दिखा के अंदर गई थी ना मैं, तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ठंडा मौसम हो रखा है आजकल दिल्ली में, तो फिर मैंने बन्नी को उठाया, बन्नी को स्कूल के लिए तैयार करा, उसको नाश्ता कराया मैंने और उसको स्कूल के लिए भेज दिया। टोटली 8:20-25 पे मेरे जो बच्चे हैं वो स्कूल के लिए चले गए थे, उसके पापा उनको छोड़ने चले गए थे। तो उसके बाद जो घर के काम होते हैं वो सीधा करने लगी हूँ। हाँ, इस बीच में मैंने एक कप ज़रूर अपने लिए चाय पी है, सुबह सुबह बहुत सारा काम होता है और हम बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहते हैं, और शाम जैसे ही होने लगती है तो हम उतना कम एक्टिव होने लगते हैं। तो बस आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, तो बस यहाँ पर तकिया कवर वगैरह ये सब हटा दूंगी, दूसरे लगा दूंगी, 3-4 दिन में मेरी बेडशीट जो है चेंज हो जाती है। इस वाले कमरे की थोड़ी कम, क्योंकि इस वाले कमरे में हम बैठते ही कितने लोग हैं, बहुत कम बैठते हैं सही बताऊं तो इस वाले कमरे में, इसलिए इस वाले कमरे की बेडशीट जो है ज़्यादा दिन तक चल जाती है। उस वाले कमरे की बेडशीट चेंज कर आ गई हूँ, अब मैं यहाँ आ गई हूँ दूसरे वाले कमरे में। यहाँ पे मम्मी जो है नहा कर आ गई है और मैंने उनको बुलाया, चलो मम्मी अब आप थोड़ा सा टहल लो, आपने खाना वाना भी खा लिया है। और मम्मी कह रही थी कि सोमवार है, शिवरात्रि है, तो अच्छे अच्छे से भजन लगा दे, मैं बैठी बैठी भजन सुन लूँगी। तो बस यहाँ पर बेडशीट वगैरह क्लियर करके मैंने मम्मी को भजन लगा दिए थे, मम्मी भजन सुन रही है, और जो भी आज मेरी बेडशीट कपड़े जितने भी गंदे वंदे हैं वो सब मैं मशीन में डाल के रख दूँगी, क्योंकि मशीन मैं हमेशा शाम को लगाती हूँ, सब आपको पता है, क्योंकि शाम को ताज़ा पानी आता है तो खुले पानी में जो है मेरे कपड़े अच्छे से धुल जाते हैं। और जो मशीन के कवर पहनना चाहिए कि मेरा बहुत पुराना, मतलब मेरे पास जो पिछली मशीन थी ना उसका कवर है ये, बट चल रहा है तो जब तक चला लेती हूँ, जब तक इसकी अच्छे से जान निकाल लेती हूँ। यहाँ पर आ गई हूँ मम्मी को सॉन्ग लगा के भगवान के, और यहाँ पर अपना झाड़ू पोछा कर लेती हूँ फटाफट से। ये मेरे बाथरूम की चप्पल है, तो ये बाथरूम की चप्पल बाथरूम के बाहर ही रहती है, क्योंकि अंदर जाते हैं तो फिर वो गीली हो जाती है और वो पूरे दिन गीली गीली सी रहती है, लेकिन बाहर रहती है तो सूखी सूखी रहती है। और बाथरूम और चप्पल वगैरह जितनी सूखी रहे ना उतना ही हम लोगों को आनंद आता है। यहाँ पर मैं पूरे ही घर में अब पोछा मार लूँगी, क्योंकि आजकल ना मेरे कमर में इतना ज़्यादा दर्द होने लग गया, पोछा के बिना घर साफ भी नहीं लगता है। और इस दर्द का भी मैं उपाय सोच रही हूँ कि मैं एक स्टैंडिंग मोप ले लेती हूँ, वो ज़्यादा हेल्प करेगा मेरी हेल्थ के लिए भी और घर को साफ करने के लिए भी। अगर आप लोग वो वाला मोप यूज़ करते हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि वो मोप जो होता है स्टैंडिंग मोप वो ठीक होता है, मतलब कोई उसको यूज़ करने में दिक्कत तो नहीं आती है। तो आप देख सकते हैं मैं पोछा लगाती लगाती अब दूसरे वाले कमरे में आ गई हूँ, मम्मी ताली बजा बजा के जो है भोले बाबा के गाने सुन रही है, बड़ी ही मगन है मेरी मम्मी। अच्छा, मेरी मम्मी को ना, मतलब मेरी मम्मी को क्या, मैंने मोस्टली मम्मियों को देखा है वो भजनों वगैरह में ना बड़ी ही ज़्यादा लीन हो जाती हैं, जैसे कि तालियां बजाने लग जाती हैं, बहुत लीन हो जाती हैं सबकी मम्मियाँ। और वैसे ही अगर आज के बच्चों को देखो तो वो इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, जैसे मुझे देख लो, पूजा से मतलब है, ठीक है पूजा हो गई बात ख़त्म। सारा घर जब क्लीन हो गया तो मैंने वाइपर मार दिया है बालकनी में, और आपने देखा होगा पोछे का पानी डाला मैंने, उसके बाद मैंने बाथरूम से साफ़ पानी मंगाया था वो भी डाल के फिर मैंने वाइपर मार दिया है, सारा घर चकाचक है। अब मैं मिलती हूँ आपसे कैमरे के सामने, मिल रही हूँ मैं अब आपसे सारा काम ख़त्म होने के बाद और नहाने के बाद में। सही 9:30 तक मेरा जो है सारा काम हो चुका है, मम्मी यहाँ पर बैठी हैं और भजन सुन रही हैं भोले शंकर जी के, और मेरी तरफ से आप सभी को जो है महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और अनु जो है नहा कर आए हैं अभी, वो नहीं वस्त्र हैं तो चलिए अब मैं जा रही हूँ मंदिर दर्शन करने, जल चढ़ाने, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है जल चढ़ाने का। आप लोग भी गए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मिलती हूँ आपसे मंदिर से आने के बाद।
तो दोस्तों मंदिर जाने से पहले जो अपने घर की पाठ पूजा होती है वो कर लेती हूँ। वैसे तो पाठ पूजा अन्नू मतलब ज्योत वगैरह जो जलाते हैं वो हमारे घर में अन्नू ही सुबह सुबह जलाते हैं। मैं जो अपना नहा के दीप धूप दिखाना होता है वैसे ही दिखा देती हूँ, थाली घुमा के हाथ वाथ जोड़ लेती हूँ माता रानी के। उसके बाद हम लोग आ गए हैं मंदिर और आज जगावणिया जो है कांवड़ लेके वापस आ गए हैं सारे ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो बस हम तीनों गए थे, मम्मी मैं और अन्नू। तो यहाँ पे भोले बाबा पार्वती माता के आपको दर्शन करा रही हूँ। ये मेरी मम्मी है जो हाथ जोड़ रही हैं और यहाँ पे मैं शेरा वाली माता के दर्शन करा रही हूँ। सारा मंदिर ही दिखा रही हूँ मतलब कि मैं आपको। तो बस यहाँ पे घर आ गई हूँ और कर रहे हैं हम लोग सुबह सुबह का नाश्ता पानी, क्योंकि सुबह सिर्फ चाय ही पी थी और अब कर रही हूँ मंदिर से आने के बाद नाश्ता। मम्मी ने कर लिया था तो उनका मूड नहीं था, वो दूसरे कमरे में रेस्ट करने लग गई थी। तो चलिए मैं यहाँ पे अन्नू का दिखा रही हूँ, वो दाल चावल और लौकी की जो कोफ्ते बनाए थे वो सब लेके बैठे हैं और मैं उनसे कह रही हूँ क्या टेस्ट है तुम्हारा। पीछे ना भोले बाबा के गाने चल रहे थे, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। फिर वो कॉपीराइट आता फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो यहीं पे ही लेती हूँ आपसे प्यार भरी अलविदा। अगर ये ब्लॉग आपको जरा भी पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना और हाँ शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा इस वीडियो को। मिलते हैं एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।